नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पेट जिनका निकला होता है और उनकी शर्ट टंग जाती है, तो वो वाले हम कटिंग करेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि आपका जो किसी का पेट है तो वो नहीं टंगेगी उस पेट पे शर्ट। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे तरीके बताएंगे जिससे आपको अच्छे से आप समझ में आ जाएगा किस तरीके से पेट वाले लोगों की शर्ट कटिंग करते हैं, क्योंकि ये शर्ट थोड़ी सी नॉर्मल लोगों से थोड़ी सी अलग कटती है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें देखना होती हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और शर्ट की नाप ली है तो इसमें सीना हमने चेस्ट नहीं नापा है, सिर्फ और सिर्फ सामना नापा है। तो इसकी लंबाई 29 है, 13 जो है सामना है और 13.25 पेट के पास सामना है, 24.5 आस्तीन है और यहाँ पर जो कॉलर है वो है 15.5 और 19.13 है। ओके, तो यहाँ पर फटाफट से हम यहाँ पर सबसे पहले अपना कपड़ा सीधा करेंगे। डबल अरज का कपड़ा है ये, 2 इंच आप यहाँ पर छोड़ दें अंदर फोल्डिंग के लिए। उसके बाद जो लंबाई है तो ये लंबाई जो है वो है 29, तो यहाँ पर हम 29.5 रख देंगे, 0.5 इंच ऊपर का दबाओ, और यहाँ पर जो है वो 1.5 इंच नीचे हम फोल्ड के लिए छोड़ देंगे। अब ऊपर से हम यहाँ पर छोड़ेंगे 9.5, वैसे सी चेस्ट हो उसका चौथाई आपको रखना होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 9.5 रख दिया। अब इसका जो सामना है वो है 13 इंच, तो इसमें 0.5 इंच हमारा मार्जिन जाएगा, तो यहाँ पर हमने 13.5 रख दिया इस तरीके से। और नीचे की जो साइड है यहाँ से लगभग 3 इंच ऊपर यहाँ पर टंग जाता है पेट के पास, तो जो है हम यहाँ पर तो 13.25 था यहाँ पर, तो हम यहाँ पर रखेंगे 14.25 अपना। ओके, तो ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, ये चीज़ कम रहेगी। तो इधर से 9.5, तो इधर से भी हमको 9.5 रख देना है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन सीधी एकदम खींच लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से कितना आ रहा है हमारा 20 इंच, इधर साइड में 20 इंच, तो यहाँ पर हम 2 सूत इसका सामना जो है वो कम कर देंगे यहाँ से, समझ गए ना। और 2 सूत जो है ये इधर साइड से हम इसको बढ़ा देंगे ऐसे करके, और उसके बाद हमको क्रास में रखना होता है हल्का सा, सामना इसका क्रास में जाता है थोड़ा सा, सीधा सीधा बिल्कुल नहीं रखना होता है, पेट होता है ना, तो यहाँ पर हल्का सा हमको क्रास में रखना होता है। ये देखिए, ताकि आगे का जो कपड़ा है वो हमको थोड़ा सा ज़्यादा मिल सके। अब उसके बाद साइड जो है हम इस तरीके से रखेंगे और निशान लगा लेंगे। शर्ट का जो सामने का हाला होता है वो हमको थोड़ा सा कम रखना होता है, बैक का जो हाला होता है वो थोड़ा सा डीप में रखना होता है गहरा, ताकि जो पीछे का जो तीरा और पीछे की जो बैक है वो थोड़ी सी आगे को चढ़ के आए, तो इससे हमारा पेट पे जो हिस्सा है वो थोड़ा सा और सामना जो है वो आगे के लिए हमारा गिरेगा, तो ऐसे में हमारा सामने का हिस्सा बढ़ जाता है और बैक का हिस्सा जो है वो फिक्स हो जाता है, लटकता नहीं है, वो फिक्स रहता है। बाकी का जो सामना है वो हमने थोड़ा सा इसको हल्का सा क्रास में रखना होता है, यानी कि चेस्ट से 2 इंच किसी का पेट ज़्यादा है तो वो एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल पीछे की और आगे की साइड बराबर आएगी। तो हाला है इसका 15.5, तो यहाँ पर हम रखेंगे 3.25 इंच, छठवां भाग इसका रख सकते हैं आप, वैसे इसका 5वां हिस्सा रखना होता है हाले का, 5वां हिस्सा रखेंगे तो 15.5 है, तो 3×5=15 आया है, तो यहाँ पर हम 3.25 रखेंगे और इधर साइड में हम 3 इंच में एक सूत कम कर देंगे इस तरीके से। बाकी अगर आपका हाला छोटा हो रहा हो तो कॉलर नापने के बाद, तो आप बाद में इसको छांट सकते हैं, क्योंकि अगर हम सामने का भी बढ़ती काट देंगे बैक का थोड़ा सा टीप में रहेगा ज़्यादा, तो वो भी रहेगा, तो आपका हाला हो सकता है बढ़ जाए, तो इसलिए हम सामने का हाला जो है वो थोड़ा सा छोटा काटा जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीरा का निशान लगाएंगे, तो तीरा है हमारा 19, तो 19 के जो आधे हुए हैं वो हुए हैं 9.5 प्लस इसमें 0.5 इंच का हम मार्जिन छोड़ देंगे जो दबाव जाता है वो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे।
अब ये फिटिंग में शर्ट है नहीं, वैसे हम इसको इस तरीके से काटते हैं, इस तरीके से काटेंगे तो देखिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा हमारी हो रही है, तो ये टाइट हो जाएगी शर्ट इस तरीके से अगर हम काटेंगे तो हमको ये चीज़ सीधी रखना है और उसके बाद जो है हम इसको गुलाई देंगे, एक अच्छी सी आपको गुलाई दे देनी है। उसके बाद जो कंधी गिराएंगे वो गिराएंगे हम अपनी 1.25 इंच की, आप चाहें तो 2 इंच की भी गिरा सकते हैं। इसको जो थोड़ा सा और गुलाई में देंगे अच्छे से, ये रहा। तो कॉलर जो है वो है 15.5 इसका। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सामने कट गया है। अब हम अपनी बैक काटते हैं। तो इसको जो है बैक को 1/2 इंच बाहर, तो बैक जो है हमेशा 1/2 इंच अंदर रहती है। अब वो क्यों रहती है, जब हम बटन, जब हमारा सामना तलपट होता है बटन के लिए तो उतना हमारा सामना कम हो जाता है, तो इसलिए बैक हमारी बढ़ती ना हो तो इसलिए हमको क्या करना होता है, 1/2 इंच बैक अंदर रखना होती है। ये चीज़ समझ गया ना, तो आपको भी ऐसे ही करना है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, या ये जो यहाँ पर दिख रही है क्रॉसिंग, यहाँ से हमको बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना है। हमारा जो तीरा है वो 19, तो 19 के जो आधे हुए हैं वो हुए 9.5, यहाँ पर निशान लगाना है, प्लस उसमें 1/2 इंच का मार्जिन, तो ये रहा, तो यानी कि 10 इंच हमने रख दिया। अब उसके बाद जो है हमको इस तरीके से आपको एक शेप दे देना है। यहाँ पर जो देखिए शेप हमने दिया है वो 1/4 इंच का है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये चीज़ देखिए हमको एक बार नाप लेना है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी है हमारी, 29 है, तो इधर साइड में भी 29 रखना है। कहने का मतलब हमको ये जो चीज़ है, अब बैक साइड का जो पल्ला है, ये सामने का तो हमने क्रॉस में कर दिया था हल्का सा क्योंकि पेट की वजह से, बैक साइड हमको ऐसा नहीं करना है, बैक हमकारी बिल्कुल सीधी रहेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। तो बैक में बिल्कुल सीधी फंटी लगाएं एकदम, तो बैक हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं, बाकी का काम तीरे में होगा। अब ये देखिए, ये हमारे जो है इतना हमारा सामना देखिए बढ़ती है, समझ गए ना, ये देखिए इतना हमारा सामना बढ़ती है। यहाँ पर तो सही है पर पेट जो है, साइड तो सही है पर सामने का जो पेट निकला होता है, पेट की वजह से टंगती है, तो वो इतना सामना हमारा एडजस्ट करेगी। बाकी जो है जो हाला है वो डीप में थोड़ा सा कटेगा, बाकी का वो एडजस्ट करेगा। जब आप प्रेस पर बैठा लेंगे तो लगभग आपकी 1.5 इंच शर्ट जो है वो बैक से सामना आगे के लिए आना चाहिए, समझ गए ना।
जैसे कि ये बैक है, मान लीजिए ये बैक, जैसे कि ये है बढ़ती, तो ऐसे ही आपका थोड़ा सा इतना लगभग आपका बढ़ती आएगा प्रेस लगाने के बाद। तो इतना अगर आपका बढ़ती आ गया तो समझ लीजिए आपकी शर्ट जो है पी नहीं टंगेगी, टंगने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि इतना आपका सामना बढ़ती है। तो जो कोई भी शर्ट पहनेगा तो बैक तो उसकी फिक्स आएगी उतनी, और सामना जो है पेट पे जितना टंग रहा होगा उतना ही ये बढ़ती है, तो वो बिल्कुल ही एडजस्ट हो जाता है। तो इसको अब हम हटा देते हैं। अब हम काटते हैं अपनी आस्तीन। तो ये आस्तीन कपड़ा है डबल, इस तरीके से हम इसको रखेंगे। एक यहाँ पर निशान लगाएंगे, आस्तीन है हमारी 24.5, तो यहाँ पर हमको 24.5 ही रख देना है, जितनी बाजू हो उतनी ही रख देंगे, तो बिल्कुल ही फिक्स आएगी, आपकी छोटी नहीं होगी। यहाँ से हम रखेंगे लगभग 3 इंच नीचे डाउन, और उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे 10.25 इंच, और यहाँ पर हम रखेंगे 6.5 इंच, और उसके बाद सीधा निशान लगा लेंगे। तो बाजू हम कट कर लेते हैं। सेंटर का कुटका लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए बैक साइड है, क्योंकि ये और साइड है तो वो बैक ही होती है, तो उधर साइड में हमको क्या करना, इस तरीके से हम निशान लगाएंगे इतना मार्जिन छोड़ के, क्योंकि इतना हमारा दबाव चला जाएगा। ऐसे करके हमने निशान ये लगा लिया। चाक पट्टी जो है 6.25 इंच की हम काट देंगे, तो सिर्फ ऊपर वाले जो बैक साइड पल्ले हैं दो, उसमें उनको ही काटना है। और ये काटने के बाद अब हम ये देखिए, उसके बाद हम काटेंगे ताल। तो ताल जो है आपको एक प्रैक्टिस कर लेना है कागज़ पे, और उसके बाद कटिंग करना है। इस तरीके से ये हमारी बाजू कटिंग हो गई। अब बचा हमारा तीरा, तो यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच में एक सूत कम सामने की चौड़ाई रखी थी हमने हाले की, तो वही हमको रख देना है यहाँ पर भी। उसके बाद इसको सीधा करना है। यहाँ से हमको तीरा जो है वो 6 इंच चौड़ा रखा जाता है, आप कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये धारी दिख रही है, हम इससे सीधा बिल्कुल निशान लगा लेंगे। तो ये 6 इंच है, और इधर साइड में हम रखेंगे 2.25 इंच की हमने कंधी गिराई थी, तो यहाँ पर जो है 4.25 इंच यहाँ पर हम रखेंगे। वैसे अगर हम 2 इंच की कंधी गिराते तो यहाँ पर हम 4 इंच रखते। ये लगाने के बाद तीरा जो है वो 19 है, 19 के आधे हुए हैं 9.5, इसमें 0.5 इंच का हमारा दबाव चला जाएगा, तो बचा हमारा तो 10 इंच ही आ गया। अब यहाँ से ही आपको 4.25 इंच रखना है। तो अगर आप 2 इंच कंधी छोड़ रहे हैं तो 4 इंच रखना होगा। उसके बाद इस तरीके से ये निशान आ गया, और इस तरीके से गुलाई हम देंगे। अब जो हाला है वो हम रखेंगे 2.25 इंच यहाँ पर, और इसको सीधा बिल्कुल रखेंगे, और इसको तो अभी हम इसको हल्का काटेंगे, बाद में हम देखेंगे, उसके बाद हम इसको गहरा करेंगे। तो पहले हमको ये हल्का काटना है, निशान हमने लगाया था इतना।
ये रहा तीरा। तो ये डिप जो है ये इतनी बिल्कुल सही है जो अगर नॉर्मल आपका मतलब सेट है तो, लेकिन किसी की पेट में है, हल्की सी पेट पे है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा काटना होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर 2.25 लगाया है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। ये आ रही है 2.25, तो हल्का सा और हम इसको गहराई में देंगे इस तरीके से। तो ये तीरा जो है बिल्कुल ही सही है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार हमने कितना रखा है। यहाँ पर जो है हमारा है 6 इंच और कंदी हमने गिराई है 2.25 इंच की, तो यहाँ पर है हमारा 4.25 इंच। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा है 4 इंच का। जब आप प्रेस लगाएंगे तो, और ये हाला हल्का सा डीप में है तो ये और ज़्यादा सामना आगे के लिए आएगा, तो इससे जो है आपका सामना जो है वो इतना आ जाएगा आगे के लिए, तो इतना आएगा तो उतना ही आपका पेट जितना उठा हुआ होता है वो उतना ही एडजस्ट यहाँ पर हो जाता है, तो बिल्कुल ही फिक्स आता है। इस तरीके से पेट वाली शर्ट कटिंग होती है। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो, अगर कुछ डाउट लग रहा हो तो कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। और पेट वाली की किसी की पेट ज़्यादा हो तो पेट पे आपको चौड़ाई ज़्यादा रखना होती है और यहाँ पर का जो सामना होता है वो कम रखना होता है, तो पेट आप नाप लें उसी हिसाब से आपको रखना होता है। ऐसा ना हो कि पेट की जो लंबाई है वो तो आपने मतलब सही है, नहीं टंग रही है, लेकिन पेट पे आपकी शर्ट टाइट हो गई, तो इसका भी ध्यान रखना होता है। तो नाप लेते समय पेट की भी नाप लेना ज़रूरी होता है, समझ गए ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो ये अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।